हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, एक क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का। अ मिल्कमैन सेल्स मिल्क एट अ मार्कअप ऑफ 20% एंड मेक्स ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 32% बाय एडिंग वाटर टू मिल्क। इफ द क्वांटिटी ऑफ वाटर एडेड इज 4 लीटर, फाइंड द ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। तो इसमें दे रखा है कि एक मिल्कमैन जो है 20% अधिक मैं मिल्क बेचता है। अच्छा, फिर कहता है एंड मेक्स ओवरऑल प्रॉफिट 32% बाय एडिंग वाटर टू मिल्क। दूध में पानी डाल करके वो ओवरऑल जो प्रॉफिट कमाता है वो 32% कमाता है। ये ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पर। इफ द क्वांटिटी ऑफ वाटर एडेड इज 4 लीटर और जो पानी डालता है वो 4 लीटर है, यानी 4 लीटर पानी, यानी 4 लीटर पानी उसमें मिलाता है, तब 32% क्या करता है, उसमें प्रॉफिट लेता है। तो फाइंड द ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। तो ओरिजिनल क्वांटिटी मिल्क की कितनी थी, इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं, देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे हम करते हैं इसको। सपोज 20% प्रॉफिट से पहले हम क्या करें, 100 रुपीज को जो मान लें हम, 100 रुपीज है इसका मिल्क की जो कीमत है वो 100 रुपीज है। तो इसमें 20% जब अधिक में बेचता है तो इट मीन्स ये कितने में बेचता है, 20% मोर कर देंगे तो 120 रुपीज आ जाएगा। अब इसमें कितना बेचता है, ये बेचता है x, मान लेते हैं इसको, एज्यूम कर लेते हैं x लीटर, ये मिल्क है, x लीटर मिल्क लिख दो इसको, x लीटर मिल्क हो गया। ध्यान दीजिएगा, अब 100 रुपीज में ही क्या करता है, 32% यानी वाटर को ऐड करके मिल्क में 32% प्रॉफिट लेता है। सपोज 100 रुपीज उसका ओरिजिनल जो प्राइस है 100 है, तो उसमें कितना मिलाता है भाई, 32% प्रॉफिट लेता है, तो इसका जो प्रॉफिट सहित जो सेलिंग प्राइस है वो 132 रुपीज हो गई। ठीक हो गया, पहले 100 थी सेलिंग प्राइस, ये है, ये SP है, ध्यान रखिएगा, और ये ओरिजिनल जो इनिशियल वैल्यू, इनिशियल प्राइस है इसकी, और ये है आपका मिल्क, यहाँ पर लिख दिया मैंने, ये क्वांटिटी है x लीटर जो है क्वांटिटी है इसकी। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें वो क्या करता है कि x प्लस 4 लीटर, यानी लीटर है दोनों, ये वाटर प्लस मिल्क है, सॉरी x तो मिल्क है प्लस वाटर है, ये ध्यान दीजिएगा। तो अब क्या करें, ऐसे क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, ये क्या करेंगे, देखो ये जब बढ़ेगा तो इसकी वैल्यू भी बढ़ेगी और ये भी बढ़ेगी। ठीक हो गया, तो क्या कहेंगे, x प्लस 4 अपॉन x इज इक्वल टू 132 अपॉन 120 इंटू 100 अपॉन 100। इसी को सॉल्व कर जब करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, x इससे तो ये कैंसिल हो गया, इसको यहां ले जाइए, 132x इज इक्वल टू 120x प्लस 480 हो गया। इसको सॉल्व कर दीजिएगा, 132x माइनस 120x इज इक्वल टू 480, 12x इज इक्वल टू 480 और x इज इक्वल टू आ जाएगा 480 अपॉन 12 इज इक्वल टू 40 लीटर। ये मिल का आ गया, क्या आ गया, ये मिल का आ गया, ये ध्यान रखिएगा, इतना मिल का आ गया, x इज इक्वल टू 480 अपॉन 12,
40 लीटर, तो जो ओरिजिनल क्वांटिटी थी तो लिखेंगे द ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज इक्वल टू 40 लीटर आंसर। तो डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये पूछा गया है आपका कैट में, कैट का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा घुमाने वाला तो था ही, लेकिन थोड़ा सा समझदारी के साथ इसको करें तो बहुत ही इजीली सॉल्व हो गया ये। अगर आपको ठीक लगे तो इस तरह के और भी क्वेश्चन आपके सम्मुख प्रस्तुत किए जाएंगे, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स में, ताकि और भी क्वेश्चन आपके सम्मुख आते रहें। थैंक यू वेरी मच।